हत्या और लूट की नियत से क्षेत्र में आए तीन बदमाशों को सजनवा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि सजनवा थाना क्षेत्र स्थित भगौरा राइस मिल से जाने वाले चावल की लूट और हत्या के प्रयास की रणनीति बनाने वालों को सजनवा पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है, जबकि मुख्य सरगना मुकेश राजभर और पंकज यादव अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान जौनपुर जनपद के थाना चंदकवक निवासी प्रदीप गिरी पुत्र प्रदुभन गिरी, मनु गिरी उर्फ शुभम गिरी पुत्र राम विजय तथा जय हिंद राम पुत्र लालचंद के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, दो चाकू बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। इनके साथ खींचा तो इम्पोर्टेंट है। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के अंदर तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम प्रदीप गिरी है, दूसरे का नाम मुन्नू गिरी है, तीसरे का नाम जयहिंद। ये तीनों लोग जौनपुर के रहने वाले हैं और इन लोगों के पास असला भी बरामद हुआ। इन तीनों ने अपनी पूछताछ के अंदर इस चीज़ को कबूल किया है कि इनके साथ दो लोग और थे जो कि वहाँ मौके से फरार हो गए हैं और इनका प्लान वहाँ पे जो राइस मिल चलती है वो राइस मिल के ट्रक चालक के साथ हत्या करके उसको लूटने का ट्रक का प्रयास था जो इन्होंने बताया। इसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम प्रकाश में आया है उसका नाम मुकेश राजभर है। मुकेश राजभर पहले सजनवा थाना अंतर्गत क्षेत्र के अंदर ही ट्रक चालक का काम करता था, इसलिए इन सबको यहाँ के एरिया के मूवमेंट की जानकारी थी। उसी का ये लोग प्लान बनाकर यहाँ पर आए थे। जैसा मैंने बताया तीन लोग को गिरफ्तार करा गया, इन लोग की रिमांड लेके और अतिरिक्त पूछताछ की जाएगी। इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की जानकारी की जा रही है। जो शेष दो लोग फरार हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी और जो मुकेश राजभर और एक व्यक्ति का नाम जिसके अंदर और आया है पंकज यादव, इन लोग की भी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई। हाँ, ये राइस मिल जो है उसका नाम भी प्रकाश में आया है क्योंकि वो यहाँ पर पहले काम करता था तो उसको मूवमेंट की यहाँ की पूरी जानकारी थी। ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इन लोग का ये प्लान था इस तरह की घटना करने का। जो इन तीनों लोगों ने बयानों में बताया वो ये बताया कि इनको यहाँ पर ये लोग लेके आए थे पहली बार, जो अभी तक बताया इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और डिटेल्स के साथ में इनके थाने पे क्रिमिनल हिस्ट्री और क्या क्या रही है उनके साथ में इनका फ़ोटो खींच के और भी जो हमारे यहाँ घटनाएँ हुई हैं आसपास के जनपदों में घटनाएँ उसका मिलान करने, ये इन्होंने शुरुआती पूछताछ में बताया है। यहाँ पर ये क्यों आए हैं, इनके पास असला भी क्योंकि बरामद हुआ है तो शेष दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद और इसके अंदर चीज़ें क्लियर हो पाए। अच्छा, अदरवाइज घटना कर दी ये प्राइस मिल जो है वहाँ पर।